माउंट आबू में आप कहीं भी जाएं और अगर ऐसी सुंदर आउटडोर सीटिंग हो तो बड़ा मजा आता है। ठंडी हवा चल रही होती है, चिड़िया की आवाज होती है और सामने होता है खूब सारा खाना। और ऐसी एक जगह है जहां पे हम अभी बैठे हैं, तो एक माउंट आबू मेन रोड पे होटल हिल्टन है, बहुत पुराना होटल है, 45 साल से यहाँ पर है। और यहाँ पे एक इनकी प्रॉपर्टी पे एक रेस्टोरेंट है, मलबरी ट्री रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम नाश्ते के लिए बैठे हैं। और माउंट आबू में ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे उनके पास अपना पूरा लाइव किचन है और ब्रेकफास्ट का बुफे लगता है, मतलब आप देख भी सकते हैं अपना खाना बन रहा है, उसके बाद आप चॉइस भी ले सकते हैं, बोलकर मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हमने वो ही किया है। हमने सोचा आज थोड़ा सा खाना खाएंगे, ज्यादा नहीं, तो हमने चूज किया सबसे पहले मेथी गोटा। ये देखिए, ये एक गुजराती डिश है, बड़ी जबरदस्त डिश है, उड़द दाल के ये बने हैं गोटे, फर्म टेक्सचर, बहुत जबरदस्त फ्लेवर इसका, और साथ में चटनी। ये जरूर खाइएगा अगर आप कभी मलबरी ट्री आए। और इस जगह का नाम मलबरी ट्री इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मलबरी का पेड़ है जिसको हम हिंदी में कहते हैं शहतूत। शहतूत तो खाया होगा आपने, और जब यहाँ पे वो सीजन में होता है तो ये प्रॉपर्टी वो क्या करते हैं कि उसके जैम बनाते हैं और वो बना आइसक्रीम बनाते हैं एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं लोगों को। तो अगर आप आइए, फ्लावरिंग हो रहा है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मलबरी ट्री आइसक्रीम भी मिलेगी। हाँ, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, आप इधर आइए, कॉम्प्लीमेंट्री मलबरी आइसक्रीम खाइए, जैम खाइए, और बोलिए यार मीटिंग थी, सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा, पर अगली बार आपको आने नहीं देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आइडियाज मेरे हैं, मेरे पे ही छोड़ दीजिए इनको। तो ब्रेकफास्ट स्प्रेड बड़ा जबरदस्त है, यहाँ पे बूफे ब्रेकफास्ट लगता है सुबह सुबह, तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए, ये मेरा ऑमलेट एंड ग्रिल्ड टोमेटोज, बहुत जबरदस्त। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा दूसरा फेवरेट है, पोहा यहाँ पर बड़ा पॉपुलर है। आपको पूरी मिल जाएगी गरम गरम, भटूरे साथ में आलू की सब्जी या छोले, एंड ऑफ कोर्स उपमा, चटनी और सांभर। अब इससे बेटर क्या होवे, तो हम तो बड़ा एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि सुबह सुबह घूम घूम के चिड़िया ढूंढ ढूंढ के फोटो ले लेके आपको दिखा दिखा के हम थक गए। हम ये भाई साहब ने कुछ नहीं किया, एक कोने में बैठे सीटियां मार रहे थे आसमान पे। मैं जब भी घूम रहा था आसपास, ये देखा था मैंने पेड़ के नीचे बैठ के। यार वो सीटी नहीं है, वो बर्ड कॉल है, मैं अपनी बर्ड कॉल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चिड़िया को अगर उसके भाइयों की और बहनों की आवाज सुनाई दे तो पास में आए थे, मैं तो हेल्प कर रहा था। हाँ, ये दूसरी बात है कि यहाँ पे रॉकी भैया आए थे ग्रीन मुनिया देखने, और मैं मोर की कर रहा था क्योंकि वो मेरे को आता है मयूर। नहीं मत कर, सुबह सुबह लोग डर जाएंगे। मुनिया की जगह मिला ठेंगा, क्योंकि मुनिया मिली नहीं, काफी एलूसिव चिड़िया है, आजकल वो अपना घोंसला बना रही है, इसलिए वो घास लेके मुंह में उड़ती फिरती है, लेकिन हमें नहीं दिखी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो दिखी वो आपको हमने दिखा दी। तो अब टाइम है बैठ के यहाँ पर आराम से खाने का और इंजॉय करने का। और हालांकि ये बहुत पुराना होटल है, 73 से बना हुआ है, लेकिन इसकी अपकीप कंटिन्यूसली जारी रहती है, और इसीलिए इस जगह और फैमिली जो है जो ओन करती है इसको, वो यहीं रहती है, बहुत ध्यान रखती है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपको जगह मिलेगी रहने के लिए, भी बहुत अच्छे हैं होटल हिल्टन में कमरे वगैरह, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना तो एकदम फर्स्ट क्लास है जैसे आप देख रहे हैं। फैंटास्टिक, और आपको चॉइस भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो उनके क्लाइंटेल है, कस्टमर है, वो गुजरात से आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, और जैसे रॉकी ने बताया ये सारे जो पूरी आलू है, छोले भटूरे, वो भी ऑप्शन मिलता है। तो एक दिन आओ, बोलो आज मेरा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट का मूड है तो मैं खाऊंगा, आई वुड ईट सम वफल्स, और अगले दिन आओ, अरे बड़ी भूख लग रही है तो मैं ना छोले भटूरे खाऊंगा, चॉइस इज योर्स। और करना और बता, अगर पोहा खाना हो तो पोहा खाना, आई हैव कम फ्रॉम दोहा, वेयर इज माई पोहा। बस इसकी शेरो शायरी से मुझे डर लगता है, भूख मर जाती है थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। तो आप नाश्ता एंजॉय कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी ब्रेकफास्ट टू यू ऑल। इसके बाद आपको लेके चलेंगे और एक्साइटिंग जगहों पे, माउंट आबू में, तो फटाफट खाइए ताकि दिन के लिए एनर्जी रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, दिन का सबसे जरूरी मील नाश्ता होता है, इसे कभी मत मिस कीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी। अगर आप नाश्ता नहीं खाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे ऐसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और उसी सांस में जल्दी से खाइए आगे निकलिए, शांति से खाएंगे, मजा लेंगे ठंडी हवा का, और फिर हम निकलेंगे आगे काम करने के लिए। हम खा रहे, आप रेस्ट कीजिए। हैशटैग रोड ट्रिपन विद RNM पे आपको हमारे सारे अपडेट्स दिखते रहेंगे, और आपको पता लगेगा कि इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं और किसको ढूंढ रहे हैं। Follow History TV 18 and Rocky and Mayur on these social media platforms for daily trip and updates.